हेलो गाइस, दिस इज brosbro.com और आज हम आपको एक उर्दू पत्र हिंदी में पढ़कर दिखाएंगे जो औरंगजेब की मौत के दिन इतिहासकार खफी खान ने लिखा था। किस खून के हैं मराठे? कोई शिवाजी राज नहीं है, हमने संभाजी को मार दिया, राजा राम अब जिंदा नहीं है, संभाजी की पत्नी और बेटे हमारे कब्जे में है, राजा राम महाराज की पत्नी तारा रानी कुछ हजार सैनिकों के साथ हमारी लाखों की फौज के साथ लोहा ले रही है, ईरान से लेकर उत्तर दक्षिण भारत हमारे बादशाह से डरता है, लेकिन ये मराठे मराठे हमारे सैनिकों को सपनों में और घोड़ों को पानी में दिख रहे हैं। इनके किलों में 600-700 की फौज हमारे हजारों सैनिकों के खिलाफ लड़ती है, लेकिन यदि हम उन्हें खरीदा भेजते हैं कि किला खाली करो, नहीं तो हम किला जीतते ही तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे। इसके विपरीत ये मराठे बच्चे डरते नहीं और औरतें यह खलीता चूल्हे में फेंक देती है। तब लगता है कि मराठे क्या चीज है, मरने को ही हर वक्त तैयार, और मारने लगे तो पीला भंडारा लगाने वाले लोग हमारे खून से लाल लाल हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वाभिमान से रहने और संभाजी महाराज के प्राण चले गए तो भी आत्मसमर्पण न कर यह अपने राजा की शिक्षा का पालन करने वाले मराठे, आज हमारे बादशाह का अंत हुआ। उन्होंने कई राजाओं को समाप्त किया, लेकिन आज वे काफिर मराठों द्वारा पराजित हुए। या खुदा, क्या लोग है ये मराठे! तोफ की आवाज तक कोई अपने प्राण नहीं छोड़ता, तो कोई अपनी लड़की की शादी छोड़कर किले की मुहिम में फतेह कर जाता है, तो कोई मृत्यु की पालकी पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। अपने राजा के शब्द के खातिर कोई पागल हाथी से टक्कर लेता है, कोई झूठा शिवाजी के रूप में मृत्यु के बिस्तर में सो जाता है, कोई 80 साल का बूढ़ा किला जीतते समय जवान शत्रु को धूल चटाता है, बच्चे जिनकी मूंछ भी नहीं निकली वो भी 20 शत्रु पर भारी पड़ जाता है, कहीं पर 7 बहादुर मराठे 30,000 सैनिक पर कहर डाते हैं, तो कहीं 60 मावला लेके गढ़ जीत लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किए गए महान काम और संभाजी के बलिदान की प्राप्ति के लिए उनका एक असाधारण बलिदान एक महान इनाम है।